Merry Christmas to everybody! Hello guys, welcome back to my channel. तो एक हफ्ते में क्रिसमस है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं सोच रही थी कि मेरे एग्जाम का एक और हफ्ता बचा है, लेकिन लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द प्रिपरेशंस ऑफ क्रिसमस. आई एम आल्सो गोइंग टू सरप्राइज माय मॉम. वेट एंड वॉच फॉर व्हाट हैपेंस. मेरे पास एक प्यारी सी छोटी सी क्रिसमस ट्री है. थिंक 3 साल से है मेरे साथ में. ये मैंने खुद बनाया था. गिफ्ट फोम आता है ना, तो उसके ऊपर गिफ्ट रैप लगा के वगैरह किया था मैंने. ये वाला सांता क्लॉस मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट क्रिसमस पे. हो हो हो, क्रिसमस इज कमिंग. जैसा मैं हर क्रिसमस पे करती हूँ, मैं यहाँ पे अपना डेकोरेशन रखूंगी. लेट्स डू द डेकोरेशंस. वैसे ये बताना कि ये स्पेक्स कैसा लगा. नया नहीं है, पड़ा था, पहन लिया. मेरा जो पुराना वाला चश्मा था वो टूट गया मुझसे ही. मैंने चश्मे को लात मार दी तो टूट गया. इससे मैं थोड़ा डस्ट करूंगी चीजों को. ब्यूटीफुल ना, जो घंटी है ना, मम्मी सो रही है, मम्मी को पक्का उठा देगी. चुप रहा, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो उनको उठाना भी नहीं चाहती मैं. अब आता है टाइम क्रिसमस ट्री का. मैं ना इसमें से ये सारी चीजें निकालूंगी. एक बार ट्री को बाहर जाके थोड़ा झटकूंगी एंड देन आई विल पुट इट अगेन. ओके, इट्स सो क्यूट. पर मैंने ये तोड़ दिया था लास्ट टाइम, बट स्टिल इट्स गुड. क्या ट्री को सजाने की बारी आती है एंड इट्स द नॉट अ फन पार्ट. आई एम डन विद द डेकोरेशन, बट आई डोंट नो वेयर टू पुट दिस. कहीं तो आना चाहिए. इट्स सिंपल, सोबर एंड आई लाइक माई क्रिसमस सो नाइस. क्या कि मैंने ये यहाँ पे हैंग कर दिया. मुझे पता है मम्मी बोलेगी हटा हटा, कुछ टीवी पे नहीं रखना, बट स्टिल मैंने रख दिया. मैंने ये दो पेपर्स निकाले. मम्मी के लिए थोड़े स्मॉल लेटर्स लिखूंगी. तो मेरे पास दो हाईलाइटर्स हैं, एक ब्लू प्लेन पेन एंड टू पेपर्स एंड लेट्स राइट अ नोट. I'm just so ready. तो मैंने ये दोनों लेटर्स लिख दिए हैं. Yes, I'll meet you on the day. मुझे नहीं लगता मैं शूटिंग कर पाऊंगी क्योंकि that's a surprise. So मैं सीधा आपको मॉल का बताती हूँ. Hello guys, let's go to the mall. तो मैं कल मॉल से आ गई थी और आज अभी मैं स्कूल से आई हूँ.
तो मैंने मम्मी के लिए थोड़े गिफ्ट्स लिए हैं जो उनको बिल्कुल नहीं पता मैंने क्या लिया है। मुझे नहीं पता मम्मी को पसंद आएगा या नहीं, बट मैं आप सबको बता देती हूँ। सो लेट मी शो यू द गिफ्ट स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट वन इज दिस स्वेटर। स्वेटर ये बहुत मस्त है। ये मम्मी को लास्ट 6 महीने से चाहिए था, तो मैंने सोचा मैं मम्मी को यही दे देती हूँ क्योंकि मुझे ये मिल भी गया था। नेक्स्ट इज दीज नेल पॉलिशेस। जब मैं ये स्वेटर ले रही थी ये वाला, तब वहाँ पे ये नेल पॉलिशेस थी, तो मैंने सोचा ये भी दे देती हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा गिफ्ट्स उतना अच्छा, और ये बहुत सस्ते में मिला था मुझे ये वाले नेल पॉलिशेस। मुझे नहीं पता मम्मी को ये लास्ट गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं। ब्यूटिफुल पर्स। बस मैंने इतने ही गिफ्ट लिए और ये सब बहुत ही सस्ते में मिला है, आई कैन प्रॉमिस। आप जरूर एलिमेंट्स मॉल जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है क्रिसमस का, एंड यू कैन एंजॉय, एंड इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड। सारे गिफ्ट्स पे गिफ्ट रैप लगा दिया है, तो ये वो नेल पॉलिश वाले के लिए है, ये टी शर्ट और ये पर्स। मेरे पास ज़्यादा गिफ्ट रैप नहीं था, तो मैंने इसके अंदर ही कर दिया। या मैरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी। और आज का दिन बहुत अच्छा गया, मैंने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया एंड इट वाज अ लवली डे। और मम्मी को सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे। आई विश आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज पूर्वी व्लॉग्स। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब और लाइक भी करना। ओके बाय, पीस।